हेलो फ्रेंड्स, ये है अजंता का LCD वॉल क्लॉक LCD 140 995 की प्राइस रेंज में। टेबल क्लॉक भी है और दीवार पे भी ये हैंग हो जाता है। आज हम इस वॉच की टाइम कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई इशू क्रिएट ना हो जब इसकी टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े, तो बने रहिएगा। तो गाइस, इसकी टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट बटन दिए हुए हैं, ऑन ऑफ, डाउन, अप, अलार्म एंड क्लॉक, एक रीसेट बटन। रीसेट बटन का जो काम होता है, जब आपका क्लॉक हैंग हो जाए या आपकी क्लॉक की टाइम कॉन्फ़िगरेशन गलत देता है, तब रीसेट बटन काम करता है। इसमें दो बैटरी डलती हैं, दोनों ही नॉर्मल जो वॉल क्लॉक के होते हैं वो होता है। आप नॉर्मल बैटरी ही इसमें डालनी होती है, AA बैटरी है ये। तो आज हम इस वॉच की कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। क्लॉक वाला जो ये बटन है, इस बटन को हम प्रेस करेंगे, कुछ सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लिंक होना शुरू हो गया, 2022 आ गया। अप एंड डाउन जो ये बटन दिए हुए हैं, इन बटन के माध्यम से हमने अप डाउन कर लेना है। जैसे अब गलती से मेरे से 2023 हो गया तो मैं डाउन कर लूँगा, 2022 हो जाएगा। फिर से हमने क्या करना है, ये जो क्लॉक बटन दिया हुआ है इस बटन को प्रेस करना है। इस बटन को प्रेस किया तो मंथ पे शिफ्ट हो गए, तो ये मंथ को हमने चेंज करना है। तो डाउन और अप बटन के माध्यम से हमने इसे शिफ्ट कर लेना है। जैसे मैं ये देखिए, मैंने 11 कर दिया, गलती से 11 हो गया, या आपसे चेंज करना है आगे शिफ्ट करते जाइए ऐसे, ये देखिए। अब इसके बाद फिर से हम प्रेस करेंगे क्लॉक बटन। क्लॉक बटन को मैंने प्रेस किया, डेट पे शिफ्ट हो गए। डेट मेरी आज 5 ही है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अप एंड डाउन बटन के माध्यम से हम इसे सेट कर लेंगे। जो डे है, वेडनेसडे है आज, तो ये ऑटोमेटिकली सेट होगा जो आप ईयर्स, मंथ एंड डेट सेट करते हैं उसके साथ। जैसे ही मैं ये देखिए डेट को चेंज करता हूँ, ये देखिए, तो डे भी साथ में चेंज हो रहा है। इसके बाद फिर से हम क्लॉक बटन को प्रेस करेंगे तो ये आवर पे शिफ्ट हो गया। अब मेरा जो करंट टाइम है वो है 7:30, तो मैं 7:30 आपको करके दिखाता हूँ एक बार फिर से। ये मैं, अब देखिए यहाँ पे AM में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने सेट किया हुआ AM PM, तो 24 आवर्स में अगर आपने कन्वर्ट करना है वो डिफरेंट है, वो भी बता दूंगा। फिर से क्लॉक बटन को प्रेस करेंगे तो 31 हुआ है मेरा अभी, तो मैं 31 कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए मैंने 31 कर दिया, डन हो गई सारी सेटिंग्स, तो ये देखिए लॉक हो गया। अब टाइम सेटिंग को हम ऐसे नहीं कर सकते, ये लिए नहीं हो रहा। क्लॉक बटन को मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। जब तक हम 5 सेकंड इसे प्रेस नहीं करते तब तक चेंजेस नहीं आएगी। अब ये जो अप बटन है, जब हमने लॉक लगाई होगी सेटिंग, तो अप बटन को हमने प्रेस करना है, तो ये 24 आवर्स में शिफ्ट हो गया। अप बटन को प्रेस किया तो 12 आवर्स में शिफ्ट हो गया। इसके बाद आता है डाउन बटन। डाउन बटन को हमने प्रेस किया तो यहाँ पे CF की जगह पे C की जगह पे F आ गया, तो यहाँ पे इससे टेम्परेचर में चेंजेस आ रही है। तो ये हमारा टाइम कॉन्फ़िगरेशन करने का प्रोसेस है। ये जो रीसेट बटन है, जैसे प्रेस करेंगे कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।